आपको पता ही है इतिहास तो देख 2009 और वो 2023 14 साल हो गया ना। अब राम जी का वनवास होगा पूरा, अब इनका चिट्टे वाला और वेशा वर्ती है ये गांजे गुंजे वाले का अब कहानी खत्म है। अगर ये मानेंगे ठीक है ये बोर्ड देख ले, नहीं तो फिर जनता जनता बाद में इंसावादी हमको बनना पड़ेगा, जनता फिर मना देगी उनको। और जहाँ से बंदे आते हैं पता नहीं कौन सी कंपनी का बंदा है, यहाँ कॉलोनी में एंट्री करते आते ठीक है जी, उसको पता ही नहीं, रात को 12 बजे आ गए खड़े रहते हैं ठीक है। और क्या नाम आपका? मेरा नाम जी कुलदीप सिंह है जी। सर जी सर जी इस कॉलोनी में इतना कुछ चल रहा है जी, पूछना जी नशा के बारे में पूछो ना, चिट्टा फीम वो सब कुछ चलता है जी, पोस्ट वगैरह सब कुछ। और जहाँ से बंदे आते हैं पता नहीं कौन सी कंपनी का बंदा है, यहाँ कॉलोनी में एंट्री करते आते ठीक है जी, उसको पता ही नहीं, रात को 12 बजे आ गए खड़े रहते हैं ठीक है। और पिछले दिन जाते हैं और हमने कई बार पुलिस वाले को बोला है, पुलिस वाले को बोला है हमने कई बार, और पुलिस वाला वो ज़्यादा मतलब कि एक्शन लेते नहीं, बस आते आते जुड़ रहे एक्शन लेते फिर वापस चले जाते हैं, बच्चा वैसे चले जाते हैं बस ठीक हो। वो हम पे बोलते हैं, हम उसको जो डिफॉल्टर बंदा आता है हम उसको मारेंगे वो करेंगे, तो पुलिस वाला बोलते हैं आप मारते को काम होता है मारा मोटा, जैसे कटाई पिटी होती है ना, ये चौकी वाले पुलिस वाले हमारे पे 10,000 रुपये लेते हैं एक आदमी का नाम लिखाने का, हम गरीब आदमी 10,000 कहाँ से ले आके देंगे, लगाया इसलिए ये चिट्ठे जैसे बच्चे हमारे बीमार चुके हैं, कोई खांसी में बीमारी में गांजे में किसी को टीबी होगी, मतलब के कॉलोनी एक शमशान घाट बन रही है, लूट मार है समझ लो, रात सारी रात सोते हैं लोग, मुझाड़ पड़ता है। एक कहानी बहुत लंबी हो चुकी है आज से 40 साल पहले, अभी तक कोई इसका कोई तो ऑर्डर नहीं कुछ नहीं, हल नहीं ठीक है। जो मरे आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल ख़त्म है ठीक है, हम तो अपने चलो कर रहे हैं ठीक है, जो भी अपने मतलब की दिहाड़ी वगैरह जा रहे हैं वो कर रहे हैं ठीक है। अभी इधर वो बच्चे आने वाले वो जाते नहीं काम पे, वो बस वहाँ पीछे जाते हैं पीछे वाले लेन पे जाते हैं, वो मतलब की वो बात नहीं रही जी सर, ये काम नहीं है। ये बैनर तो अब लगे है जी, ये जैसे वो गया ना राम गया रावण गया जाको गया परवार, अब ये 2-4 घर रहे, हम सोच रहे कोई नहीं, आपको पता ही इतिहास तो देख 2009 और वो 2023 14 साल हो गया ना, अब राम जी का वनवास होगा पूरा, अब इनका चिट्टे वाला और वेशा वर्ती है ये गांजे गुंजे वाले का अब कहानी खत्म है। अगर ये मानेंगे ठीक है ये बोर्ड देख ले, नहीं तो फिर जनता जनता बाद में इंसावादी हमको बनना पड़ेगा, जनता फिर मना देगी उनको, हम तो कह रहे हैं भाई वो मान लें। अरे एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिसके घर में भी कोई भी बंदा बढ़ता देख लिया उसका घर का सामान सारा वो पुलिया से बाहर ही जाएगा, वो बंदा यहाँ रहने के लायक नहीं है, उसका बहिष्कार करेंगे और उसको मोहल्ले से निकाल देंगे। बोल सर जी, करण सिंह जी, ये जो ये किया हम 4-5 ग्रुप के लड़कों के ग्रुप ने किया है जी, इससे ये है कि चिट्टा वगैरह ये वेश्या का काम चल रहा है, पहले ये वेश्या का काम बंद करेंगे चिट्टा तो बाद में जी, क्योंकि मेन मुद्दा वेश्या का काम है जी, वेश्या का काम बंद होने के बाद ही चिट्टा खत्म होगा जी। चीज़ तो ये जी ऐसा है, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं जी, क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस्म फरोख्ती चलती है जी, जिस्म का धंधा चलता है, जिस्म का धंधा करते हुए भी क्यों ये जिस्म की जिस्म फरोख्ती की आड़ में ये क्या कर रहे हैं, चिट्टा बेच रहे हैं, इसमें घर कितने हैं, हजार, वीर जी एक मिनट, इसमें हजारों घर हैं, हजारों घर में 4 घर हैं जो जिस्म फरोख्ती कर रहे हैं और चिट्टा बेच रहे हैं, सिरे आम बेच रहे हैं, एड्रेस देते हैं गुरुद्वारे की, गुरुद्वारे के पास आके खड़ा होता है, इसलिए मैं इनको रोकना चाहता हूँ, क्यों ये छोटे छोटे बच्चे हैं इधर आना, इनकी आगे जाके क्या ज़िंदगी बनेगी जी, क्या ज़िंदगी बनेगी, सच्चाई का काम करने के लिए कोई किसी को डर नहीं होता, डर होता है सिर्फ मालक का, ये तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, या किसी को रिश्वत दे के हमको कुटवा सकते हैं, या किसी को रिश्वत दे के हमको पकड़ा सकते हैं, इनका ये काम है।